किसको फोन कर रही है तू? प्राजक्ता को। बन बन बन, तू शहीद बन। हाँ गायत्री ठक्कर, तू शहीद बन। अपनी प्यार की तू दे दे वो, क्या बोलते उसको वो अपना, अरे वो जिसमें जीना तमन ने मस्त एक्टिंग की थी, वो अच्छी लग, अरे वो गाना था ना जिसमें लेला में लेला, हाँ कुर्बानी, दे दे अपनी प्यार की कुर्बानी तू। कैसे कुर्बानी? अभिषेक को है क्या कुछ फीलिंग? और फिर अंकल भी चाहते हैं कि, हाँ पता है अन्ना भाई क्या चाहते हैं? अन्ना भाई ये चाहते हैं कि तू अभिषेक को प्राजक्ता के लिए मनाए। फिर प्राजक्ता ये चाहती है कि तू अभिषेक से पता करे कि वो उसके लिए क्या फील करता है। कुरियर वाली है तू, पोस्टमैन है, इधर की चिट्ठी उधर, उधर की चिट्ठी इधर, पूरा दिन सबके पार्सल घुमाती बैठ तू। मम्मी कोई जरूरत नहीं है मम्मी मम्मी करने की। देख बेटा तू समझ, लव स्टोरी में ना हीरो जिसको मिलता है वही हीरोइन कहलाती है बेटा। व्हाट नॉनसेंस, लड़की को हीरोइन बनने के लिए हमेशा हीरो की जरूरत नहीं पड़ती है मम्मी, वो खुद भी हीरोइन बन सकती है लाइफ में, दुनिया में कुछ कुछ हासिल करके, कुछ पाके। अरे डोबी, लव स्टोरी की बात कर रही हूँ मैं, लव स्टोरी में ऐसा ही होता है। मत मत उठ। हाय प्राजक्ता। सॉरी गायत्री, सो सॉरी, मेरा फोन बिजी था। मैंने सुबह भी तुम्हें फोन किया था। अभिषेक ने बताया मुझे कि तुम अन्ना के पैर का इलाज कर रही थी। सॉरी प्राजक्ता, मैं अभिषेक से पूछ ही नहीं पाई कि वो तुम्हें लेकर। इट्स फाइन गायत्री। एक बात बताओ, स्टेज पर मैं और अभिषेक जब डांस कर रहे थे ना, तो अभिषेक की आंखों में मैंने एक अजीब सा दर्द देखा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि अभिषेक मुझसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है, और फिर अंकल भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि मैं अभिषेक को तुम्हारे लिए समझाऊं, कि उसे तुमसे अच्छी कोकणस्थ ब्राह्मण लड़की। रियली? आर यू सीरियस? पर अगर मैं अभिषेक को समझाऊंगी तो वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है अपने आप ही पता चल जाएगा। यू आर अ डार्लिंग गायत्री, यू आर अ डार्लिंग, दोस्त होना तो तुम्हारे जैसी। प्राजक्ता मैं अभिषेक से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फाइन बाय। ओह गॉड, आई एम श्योर कि अभिषेक भी मुझसे इतना ही प्यार करता है। पापा। अभिषेक यानी अन्ना साहब गोखले का बेटा। अरे वो इतना सा था ना तब देखा था उसको। पापा अब आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा क्या कि वो कितना क्यूट दिखता है। क्यूट है? जाइए आप। ये कभी सिग्नल आता है कभी जाता है। आते फोन बिन। अहो हाँ, नया फोन ले लीजिए अब। अरे नहीं रे, स्वतः पे पैसे खर्च करने के दिन गए जोचना गौरी। अन्ना। अरे बाप रे, आ गई खतरा गोखले आ गई। अन्ना नारियल पानी आपकी डाइट के लिए। पीलू, भगवान का नाम लेके पीलू क्या? हाँ। अगर वो इसमें जो मलाई थी वो तो बिल्ली खा रही थी ना। हारू नारियल में से पानी मैंने पहले ही निकाल के रखा था अन्ना। परमेश्वर, हालांकि गलती मेरी ही है, ग्लास में जो चिपकली थी ना उसे भगाने के लिए ऐसे नारियल फेंक के मारना नहीं चाहिए था मैंने। इस गिलास में चिपकली गिरी थी? हाँ इतनी बड़ी। तो वैसा नारियल पानी तूने मुझे पिलाया भारती? नहीं नहीं अन्ना, ग्लास में जब चिपकली थी ना तब ग्लास खाली था, वरना बेचारी चिपकली पानी में डूब नहीं जाती। बरोबर है बरोबर है। अभी कैसी है तबियत चिपकली की? पता नहीं, जाके पता कर। बराबर।
बराबर बोल रही है ये। तो आप बुलवा क्यों रहे हैं? हाँ ये। ये लीजिए, सिग्नल आ गया। तू चल गा, चल। बराबर। हेलो। हाँ, बाड़कृष्ण गोखले बोल रहा हूँ। तू अनिमेश बापट बोल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ ना साहब। अभिवादन। हाँ, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय महाराष्ट्र। अरे तेरी बेटी प्राजक्ता क्या नृत्य सिखाती है? तू आया क्यों नहीं अनिमेश नृत्य स्पर्धा में? मैं ड्यूटी पे था ना। वैसे प्राजक्ता ने मुझे बताया है? बहुत अप्रतिम संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। थैंक यू। हमारे पड़ोसी को भी उसने ही नृत्य सिखाया और वो जीत गए महेंद्र भाऊ। हालांकि वो गुजराती है बेचारी। वैसे ही बहुत भले आदमी है हाँ, गुजराती होने के बावजूद। और अगर वो मुंह नहीं खोलेंगे ना तो एकदम हमारे मराठी दिखेंगे। आपने ये सब बताने के लिए फोन किया है? अरे मैं भावनाओं में बह गया थोड़ा। अच्छा सुनो, अभी मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। मेरा बेटा अभिषेक और तेरी बेटी प्राजक्ता, नहीं मुझे तू चाहे तो ना कह सकता है अभी क्या अभी, लेकिन क्या है ये तो सिर्फ मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया। बात तो जमेगी अन्ना साहब। वैसे मुझे भी ये लग रहा है कि प्राजक्त और है कि नहीं बोलो। हाँ मैंने तो पहले ही बोला बात जमेगी। बरोबर। तो अब ये काम करते हैं, कल तू अपनी बेटी को लेकर इधर आ जा मेरे घर पे। हाँ। और मैं अभिषेक को बताता हूँ कि हम लोग क्या सोच रहे है। क्या है ना, वो दोनों तो एक दूसरे को जानते है स्कूल से, अच्छे मित्र है। बात जम गई तो जम गई, नहीं तो फिर हम लोग मिलके जमा लेंगे। हाँ। है कि नहीं बोलो। हाँ मैं तो हाँ बोल चुका हूँ अन्ना साहब। हाँ हाँ, अरे हाँ, तू पहले ही हाँ बोल देता है हमेशा। हेलो हेलो अन्ना साहब, जब भी मैं पूछू ना है कि नहीं बोलो। अरे ये सिग्नल फिर गया। अब आप क्या कहना चाहती है मम्मी? यही कि तुम्हारी जनरेशन मेरे समझ में ही नहीं आती है। तू अपने प्यार को लात मार मार के वो अभिषेक को समझाने बैठेगी कि वो संजुक्ता से शादी के लिए हाँ बोल दे। हैं? टीवी सीरियल की अच्छी बेटी, उसकी शादी में चप्पल भी चुराना तू, और गाना भी गाना वो कौन सा, वो अपना वो दीदी तेरा देवर दीवाना। नहीं नहीं, तू वो मत गाना, तू गाना अभिषेक तेरा अन्ना दीवाना। अब इसमें अंकल कहाँ से आ गए? अरे वो ही तो है होंकरस्त ब्राह्मण का झंडा लेके सबीच में आया हुआ आदमी। छोड़ जाने दे, वैसे भी वो घर है ना एकदम पुराना है। वाड़ा बोलो, अंधेरा कितना है उस घर में, और जमीन पे ऐसे देखो तो सब जगह तेल 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 तेल। तू उधर जाएगी ना शादी करके तो बहू बन के ऐसा मराठी साड़ी पहन के अगो भाई ऐसे करते रहना पड़ेगा तुझे, क्योंकि वो घर की जो औरतों की हालत है। बस मम्मी, औरतों की इज्जत अगर कहीं होती है तो उस घर में होती है, और जिस फर्श पे आपको तेल के धब्बे नजर आ रहे हैं ना, वो यादों की निशानी है, छांव है ममता की। वो घर एक ऐसा मेला है जहां खोने का मन करे, उसी में खोके खुद को ही नहीं तमाम खुशियां भी पा ले, वैसा घर है वो। और ये सब तो ऐसे ही गोद में रख देगी उस प्रोजेक्टर के हाथ में। आपने प्राजक्ता का प्रोजेक्टर कर दिया, और मम्मी मैं भी लड़ मरती अगर अभिषेक मुझसे प्यार करने की हिम्मत करता तो, पर वो नहीं बोल पाया और मैं भी नहीं चाहती कि वो बोले। वो बोलेगा गायत्री। जसवर्धन भाई बोले। वो बोलेगा, इसको स्वार्थी समझ लीजिए मेरा, लेकिन अन्ना को अगर कोई मना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक है, और अभिषेक तुम्हें पसंद करता है या नहीं ये अब मैं उसी से बुलवाऊंगा। तुम मुंह किधर तो, ये बा का फोन भी ना ऐसे ही टाइम पे आना था। चल बा का फोन तो मैं एक बार संभाल ले लूं जैसे तैसे करके, लेकिन ये गायत्री जो खुद को शहीद करने निकली है उसका मैं क्या करूं?
सहस्त्र मंगले नहीं सहस्त्र बुद्धे। हाँ, उनको बुलाती हूँ। ये अच्छा आइडिया है। हालांकि महेंद्र मानते नहीं है ये सब में, लेकिन ज्योतिष है वो हाई क्लास। महेंद्र की और अन्ना की कुंडली मिला के देखती हूँ, और अगर वो मिल जाती है तो गायत्री और अभिषेक की कुंडली का भी कुछ पता चले। ये अच्छा आइडिया है। ये लीजिए, वही नहीं? हाँ। जेवणाचं काय करायचं आता? अरे सब्जी लागली ना चाकी। ए आले, अरे सुना मान, अरे ओ आकेम नाम, अरे ओ बेन, बोलो समझ नहीं गए। सुना मानू, अरे अगरबत्ती बेन। अग भाई निर्मिती। अब हाँ भाई, हाँ सेम। अवे आप लोगों ने जवाब तो दिया ना मुझे, हैं? आप लोगों को तो समझ में आ गया कि मैं आपको बुला रही थी, तो फिर आप क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो अभी? सुनो ना, मुझे एक काम है। मेरा एक काम करोगे आप? वहिनी अभी ना थोड़ी जल्दी में क्या है ना, ये कपड़े रख के ना सब्जी लेने जाना है। हाँ, तो दो साल के लिए नहीं रख रही हूँ मैं काम पे, दो ही मिनट का काम है स्वार्थी बहन। अगर भाई हसे, अभी सुनो, मुझे ना वो उनका नंबर चाहिए था, वो अपने वो, अरे वो क्या नाम उनका, वो ज्योतिषी है ना वो, हाँ सहस्र शुक्रे, नहीं शनिवार। अन्ना साहब ये कुंडली है, वो महेंद्र ठक्कर बहुत भला है। हाँ, वो गुजराती आदमी, वो आदमी आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है अन्ना साहब। वो जो भी है, मुझे उनका नंबर चाहिए जरा। क्या है ना, गायत्री की कुंडली बनवानी है और महेंद्र की कुंडली भी खो गई है ना। अगर भाई वो तो है हमारे पास। है? अब वही नहीं, महेंद्र की कुंडली आप लोगों के पास कैसे आई? नहीं नहीं, वो नंबर नंबर है हमारे पास। हाँ, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। हाँ हाँ, जरूर करना और जल्दी करना। थैंक यू। देख, हो गया ना दो मिनट में काम? तो बची, चलो थैंक यू, आओ जो आओ जो। भाई 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 भाई, अभी सहस्त्र बुद्धि ने इनको बता दिया तो कि महेंद्र बाबू की कुंडली अन्ना की कुंडली के लिए हानिकारक है। मैं जो बोलूँ वो उनकी मुसीबत है। आप चलिए सोला। क्या मस्त पासा फेंका है ना आज, हमारे विचार और अन्ना के विचार एक हुए। हाँ, पापड़ अचार एक हुए, व्याभिचार समाचार एक हुए। मौका मिलते ही आपके अंदर का वो शैतान गीत कर ऐसे करके जाग जाता है ना, है ना? अरे हम यहाँ अन्ना को बाटली। क्या क्या क्या, अन्ना को बाटली? देवा 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 अन्ना। अरे अन्ना को बाटली देनी कि नहीं? हाँ, लेकिन अन्ना कहाँ पीते है? अरे आप बाटली सुन दी क्या, सीधा पीने चले जाते हो? मैं तेल की बाटली की बात कर रहा हूँ प्रभाकर दादा। तेल की बाटली? अरे ये अपनी गायत्री, अरे वो आयुर्वेदिक तेल से अन्ना को वो मसाज ट्रीटमेंट नहीं देगी तो बेचारे अन्ना के पैरों का दर्द कैसे जाएगा? वो दर्द जाएगा तभी तो हमारे बेचारे अन्ना दुकान आ पाएंगे ना। अच्छा, तो अन्ना को तेल की बाटली देने के लिए आप तीनों यहाँ खोपचे में गुप्त मंत्रणा कर रहे हो? कितनी होशियार बाड़ा, कितनी होशियार। आपका बेटा बड़ा होशियार है, आप पे नहीं गया है। सच सच बताइए यहाँ पे क्या चल रहा था, वरना अन्ना। हेलो, हाँ उज्ज्वला, क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीक्रेट? हाँ, वो भी मिंका को? अरे वो अन्ना को बता देगी ना। कौन सा सीक्रेट? एक मिनट, मंदार बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है। अभी आधी अधूरी बात सुन के उज्ज्वला के पीछे मत पड़ना प्लीज, यही रुकना। हाँ ठीक है, रुक। ए रुक मंदार, रुक रुक मंदार, रुक। गेला, गेला। स्टेप नंबर वन अन्ना के सामने कामयाब रहा। अब स्टेप नंबर टू सुनो, कोकणस्थ ब्राह्मण समाज अपने समाज के लिए शादी के लिए नया हॉल बना रहा है, उसके लिए हमें। अरे वो समाज के ऑफिस में मेरी भारती के सुमेर मामा, वो मेन है। हा? वो कहाँ मेन है? मेन लिफ्ट मैन, लिफ्ट आती है ना तो जाली वही खोलते हैं और बंद भी वही करते हैं। और अगर गलती से किसी की उंगली फंस जाए ना तो ऐसे फूंक भी वही मारते हैं और एंटीसेप्टिक भी वही लगाते हैं
और मेरी भारती का भाई, वो उसकी चड्डी बनियान की दुकान है और उसकी चड्डी के इलास्टिक पे 6 महीने की गारंटी है, तो हम सबको पता है प्रभाकर दादा, आप हमारी दुकान पे आइए। शाबाश, सब कुछ ठीक जा रहा है, बहुत अच्छी लड़की है प्राजक्ता। हालांकि गायत्री तो गायत्री है, लेकिन वो बेचारी मराठी नहीं है ना, और वो लोग हमारी तरह मध्यम वर्गीय अभी तो नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो फिर महेंद्र भाऊ को कोई भी आपत्ति नहीं होती अपनी गुणवंती बेटी को हमारे घर की बहू के रूप में विदा करने के लिए। लेकिन अभी अगर मैंने ऐसा सोचा भी तो उर्मिला बहन तुरंत आ जाएगी, केम केम अन्ना भाई के, पूरे कोकणस्थ ब्राह्मण समाज में एक भी अच्छी लड़की नहीं मिलवाना चाहिए, और हमारी गायत्री ऐसे बिना एयर कंडीशन वाले वाड़ी में रहवाना चाहिए। अरे ये तो गलत होगा, अपराध होगा, अपराध, नहीं नहीं, घोरपाप घोरपाप घोरपाप, ऐसा ही बोलेगी, है कि नहीं, बोलो हाँ, है कि नहीं, बोलो हाँ। अरे भी ऐसे समय में भी कोई रहते नहीं हाँ बोलने के लिए, गैर जिम्मेदार लोग। अन्ना आ गया, कोई आ गया, है कि नहीं, बोलो हाँ हाँ। अच्छा अभी बोल, क्या खास खबर लाया है तू? उधर कुछ तो गड़बड़ चल रही है बालकनी में, अभिषेक काका, केशव काका और पापा तीनों मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। मेरी छठी इंद्र किसी गुप्त षड्यंत्र का संकेत देते हुए, परमेश्वरा, किसी अनिष्ट की आशंका की ओर। बस 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 बस, तेरी फारसी भाषा सुनने से तो अच्छा तेरी बात मान लेता हूँ, हालांकि मेरे पाँव में दर्द है, लेकिन चलेगा सीढ़िया चढ़ना। बस क्या अन्ना, मैं किस लिए हूँ? अरे नहीं नहीं बाड़ा, तू मेरा वजन उठा नहीं पाएगा तेरे कंधे पे। नहीं नहीं अन्ना, मैं तो सिर्फ आपका हाथ पकड़ के ले चलूंगा ना। अच्छा अच्छा अन्ना, बरा बरा, कोकणस्थ ब्राह्मण समाज की पत्रिका में इश्तिहार देने के लिए अन्ना हमें मना नहीं करेंगे। और वो इश्तिहार मैं लिखूंगा तब तो और मना नहीं करेंगे। होगा तो साफ साफ मना कर देंगे। हाँ, क्योंकि आपका इश्तिहार कुछ ऐसा होगा, सुनिए, आइए, गोखले बंधु की बाकरवड़ी खाती है सारी दुनिया, गोखले बंधु के पेड़े खाती है सारी दुनिया, तो क्या गोखले बंधु की बाकरवड़ी और पेड़े एक हुए, सारे अक्लमंद और येड़े एक हुए? अच्छा, और अगर वो इश्तिहार मैं डायरेक्ट करके दूं तो? कहीं अन्ना ने देख लिया ना तुम तो? अरे वो सीढ़ियां चढ़ के यहाँ नहीं आ पाएंगे, उनके पैरों में दर्द है, गायत्री ने मुझे सब कुछ बताया, समझा? मैं ना एक नई फिल्म बना रहा हूँ, दूसरी पत्नी का पहला पति, पति कामदेव पत्नी रति, और मैं चाहता हूँ मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो उससे पहले मेरे और अन्ना के बीच में सुलह हो जाए। कैसे तो, कैसे सुलह होगी? मेरे पास एक आइडिया है। देख अभिषेक, तू तेरी बात आगे बढ़ाता है। एक मिनट, कौन सी बात? जीवन तो है दुकान का प्रॉफिट खनखन खनखन खनखन, जीवन तो है कमीना मच्छर बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, जीवन तो है दुकान का प्रॉफिट खनखन खनखन खन। महेंद्र, आपका मूड कैसा है? तबला तोड़ तरस। तो फिर मैं बिगाड़ देती हूँ। अच्छा सुनिए, मैं क्या बोल रही थी कि मैंने ना उनका नंबर ले लिया है, वो अपने वो, अरे वो क्या नाम है, वो ज्योतिषी है ना, हाँ, सहस्त्र जनवरी, सहस्त्र फरवरी, सहस्त्र मार्च, सहस्त्र अप्रैल, कुछ भी बोल देना तू, तुझे तो सब अलाउड है। अरे दिन से महीने कर दिया तूने उसे, उनका नाम सहस्त्र बुद्धे है। हाँ भैया, सेम अवे, अभी वो यहाँ पे है क्या बुरा मानने के लिए? नहीं ना, तो फिर आप क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो? महेंद्र मेरी बात सुनो, मैं ना उनके पास हम सब की कुंडली बनवाने वाली हूँ, ये जानने के लिए कि वो मराठी फैमिली के साथ हमारी जमने वाली है कि नहीं।
क्योंकि अपनी बेटी और वो अभिषेक का जो अरे हमारी बेटी अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेगी, अपने फैसले वो खुद लेगी, समझी तू? मैं टांग नहीं अड़ा रही हूँ महेंद्र, मैं जानना चाहती हूँ कि गायत्री और अभिषेक के बीच में सब ठीक ठाक होने वाला है कि नहीं, अभी मूड बिगड़ गया कि नहीं? हाँ तो अभी मैं सुधार देती हूँ। अरे ये अच्छे समाचार है, बैठिए ना महेंद्र, बैठिए ना। आई मुझे है ना महेंद्र, आज सुबह ही पता चला है कि इस दुकान में हमारा हाथ बटाने के लिए एक छोटा सा मेहमान आने वाला है हमारे घर पर। क्या बधाई हो? नहीं तो ऐसे कैसे भगवान हमें दे देते बिन मांगे? एक 25 साल का सेल्समैन। क्या 25 साल का सेल्समैन? ड्रैक्युली उर्मिली, कौन है वो 25 साल का सेल्समैन? बोल। रुक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जीजा जी, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और, मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। अरे तो इस कंफ्यूजन को दूर कर, समझा? ओए गो मेरे पाओ। अंडा आप यहाँ? नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो इजिप्ट में हूँ। मराठी पिरामिड में से अभी अभी बाहर निकला हूँ मम्मी बनके। हो गया है? तुम लोगों की क्या पंचवर्षीय योजना चल रही है? ये आपका कुपुत्र अभिषेक बाड़ा, तू वहां अकेला क्या कर रहा है? हाँ अन्ना। हाँ क्या? हाँ अरे कर क्या रहा है वहां? रानी रहे हम।